सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। ओए रानी, इतने पास बता कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हमेशा हम। आखिर कैसे आविष्कार हुआ मनन भरद्वाज के फेमस गाने कांधे के वो तिल गाने का? क्या कहना है उनका म्यूजिक वीडियो और पुराने गानों के रिक्रिएटेड वर्जन्स के बारे में? बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। तेरी आंखों में के बाद अब म्यूजिक कंपोजर मनन भरद्वाज प्रभास की आने वाली फिल्म राधे श्याम में काम कर रहे हैं। फिल्म के म्यूजिक के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि म्यूजिक में काफी नई चीजों से एक्सपेरिमेंट करने की वह कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह लोग 6 महीने से इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हर एक गाना उनके लिए बेहद खास होता है और ये उनके लिए सपना पूरा होने जैसा है, क्योंकि इसमें वह प्रभास जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं और उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है जिनकी अपनी एक्सपेक्टेशन है। मनन भरद्वाज एक काफी टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर है। उनके फैंस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और कांधे के वो दिल के बाद तो वह भी लोगों के बीच ट्रेंड करने लगे हैं। उन्होंने ये गाना देश की सबसे बड़ी म्यूजिक लेबल टी सीरीज के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इस गाने में वीडियो की क्वीन और एक्ट्रेस ज़ारा यास्मिन और डांस इंडिया डांस फेम सलमान यूसुफ खान साथ नजर आए। ये देखना वाकई ही दिलचस्प होगा कि कैसे मनन अपने आर्ट और क्रिएटिविटी से म्यूजिक वीडियोस में आगे एक्सेल करते हैं। कांधे के वो दिल का आइडिया उन्हें 2018 में आया जब उन्हें ये कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग और अलग लगा। उन्होंने गाने का पहला भाग रिकॉर्ड कर लिया था जो कि मिस्टर भूषण कुमार को बहुत पसंद आया और फिर कांधे के वो फिल बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मनन ने बताया था कि ये गाना एक फुल फ्लेज्ड लव सॉन्ग है और ये दर्शकों को संदेश देता है कि हमें अपने चाहने वालों के साथ कोई भी पल वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही कुछ हमें वीडियो सॉन्ग्स में देखने को भी मिला। मनन ने बताया कि म्यूजिक वीडियोस तो हमेशा से ही मार्केट में थे पर काफी कम संख्या में, पर पिछले कुछ साल में म्यूजिक वीडियोस का कंसेप्ट ऊंची उड़ान भर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम फॉरेन म्यूजिक ट्रेंड देखें तो वहाँ म्यूजिक वीडियो का क्रेज शुरू से है। मनन ने काफी पुराने गानों के नए वर्जन में काम किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे गानों में काम करते वक्त जरूरी है पुराने गानों का एसेंस, इंटेंसिटी और थीम को रिटेन किया जाए। उन्होंने बोला कि एक सॉन्ग को रिक्रिएट करना एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसलिए ये करते वक्त सावधान रहने की जरूरत है, और अगर ये सही तरह किया जाए तो हम नई जनरेशन को एक पुराना अच्छा गाना आज के जमाने और ट्रेंड के हिसाब से दे सकते हैं। क्या आपको लगता है मेगा स्टार प्रभास की आने वाली फिल्म में एक सराहनीय काम कर पाएंगे मनन भरद्वाज? कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।